आज सर हरियाणा में आज शपथ ग्रहण में गए थे, एनडीए के तमाम बड़े लीडर्स वहां पे मौजूद थे, आप भी थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐतिहासिक जीत हुई है वहां पर और हरियाणा में ये जीत से हरियाणा के लोगों में बहुत खुशी देखी गई। हम समझते हैं 50,000 के लोग से ज्यादा थे और समस्त भारत के एनडीए के जितने भी नेता थे, 19 चीफ मिनिस्टर सहित राज्यपाल भी थे कुछ और मंत्री बिहार के, भारत के तो एक दर्जन मंत्री थे, तो अच्छा लगा माहौल ये। और ऐसा लगा कि एनडीए की जो जीत हुई है ये जीत अगले जो चुनाव होने वाले में है उसमें भी रिपीट होगी जी। और सर बिहार में सर जहरीली शराब पीने से तकरीबन 35 से 40 लोगों की मौत हुई है। प्रशांत किशोर जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि जो शराबबंदी है इसको लागू करना चाहिए और हम जब चुनाव में जाएंगे तो इसको हम जोर शोर से उठाएंगे और हम जीत कराएंगे। तो देखिए बिहार सरकार इसमें बहुत तत्परता से काम कर रही है और जो भी घटनाएं होती है घटना के खिलाफ में जो कल्प्रिट होते हैं उसको लोग पकड़ते हैं और आए दिन इस तरह की घटना होती है। 13 करोड़ 14 करोड़ जनसंख्या है, कहीं न कहीं कुछ हो जाए करता है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अन्य जगहों में भी इस प्रकार की बात आती है। जहां तक रही बात प्रशांत किशोर जी, तो अभी अखाड़ा में उतरे हैं, अभी पहलवानी दिखला रहे हैं, चुनाव में देखिए क्या हालत होती है उनकी।